करना चाहूंगी मैं कि मैं देश का लाल हूं। मैं तुमसे पहले मैंने देश से कुछ वादा किया है, तुम्हारा वादा निभाने से पहले मैं देश का वादा निभाऊंगा। मैंने जो शपथ लिया, जो नसीब खुश नसीब होता है वही देश को शहीद होता है। मुझे ये जिस दिन अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तभी आंसू मन गिराना। फौज में भेजना चाहते हैं। मैं अपनी बेटी को उनके जैसा नाम रोशन करने वाला बनाना चाहती हूँ। आज मेरे पति मरे नहीं है, अमर है। उनका नाम इतिहास में रचा गया है, कभी भी उनका नाम आएगा सामने। बिल्कुल वैसे ही अपनी बेटी को मैं बनाना चाहती हूँ, उनका सपना था और आने वाले बच्चे को भी। तो मुझे अपनी बेटी अपने बेटा जो भी आएगा उसको बनाने के लिए सरकार मुझे 2 रुपए का मुझे सर्विस दे, मुझे जॉब दे मेरे पति के बदले जगह पे, जो कि मैं कमा के अपने पति के सपने को पूरा करूं। मैं 2 मंथ की प्रेग्नेंट हूँ, मेरी 1-2 साल की बेटी है जी। मैंने अपने पति को इस देश को कुर्बान किया है। मेरा और कोई सहारा जीवन में, ना ससुराल ना मायके, कोई नहीं है। जो थे वो ही थे मेरे, बिल्कुल और इस जीवन में कोई नहीं है। 1-2 महीने के जो नवंबर में आए थे वो देखे गए, और 1-2 साल की बेटी है। अब इसे पालने के लिए, इस बेटी को, इस बच्चे को उनके जैसा बनाने के लिए ऐसा किसी को मत होना चाहिए जहाँ वो सुरक्षित ऐसे ना हुए। बरौली के गोपालगंज के लोगों को भी सहृदय धन्यवाद है कि इन्होंने शहादत को सलाम करने के लिए अपनी उपस्थिति यहाँ दिखाई। ये तो देश के गौरव थे, दीपक जी गौरव हैं, गौरव ही रहेंगे हमेशा के लिए हम गोपालगंज वासियों की याद। बस समाचार पूछे थे उसने, ड्यूटी पे जा रहे थे, बोले थे शाम को फोन करूंगा, कोर्स में हूँ मैं, हवलदारी कोर्स होने वाला था उनका, प्रमोशन वही हवलदारी चल रहा था कोर्स, फरवरी तक उनका कोर्स होता। प्रमोशन के बाद क्या बोले थे आपसे, क्या करेंगे आएंगे? तो प्रमोशन के बाद वो यहाँ आते, मेरे पास आते, बस फिर बोल रहे थे कि फरवरी मार्च अप्रैल तक मेरा पोस्टिंग आ जाएगा, तो मैं तुम्हें अपने साथ लेके चला जाऊंगा। अच्छा, सरकार से क्या कुछ मांग? सरकार से मैं क्या मांगा, सरकार से अपनी दोनों, मैं 2 मंथ की प्रेग्नेंट हूँ, मेरी 1-2 साल की बेटी है जी। मैंने अपने पति को इस देश को कुर्बान किया है। मेरा और कोई सहारा इस जीवन में, ना ससुराल ना मायके, कोई नहीं है। जो थे वो ही थे मेरे, बिल्कुल, और इस जीवन में कोई नहीं है। 1-2 महीने के जो नवंबर में आए थे वो देखे गए, और 1-2 साल की बेटी है। अब इसे पालने के लिए, इस बेटी को, इस बच्चे को उनके जैसा बनाने के लिए, मतलब कहीं ना कहीं आप फौज में भेजना चाहते हैं बेटी को भी। मैं अपनी बेटी को उनके जैसा नाम रोशन करने वाला बनाना चाहती हूँ। आज मेरे पति मरे नहीं है, अमर है। उनका नाम इतिहास में रचा गया है, कभी भी उनका नाम आएगा सामने। बिल्कुल वैसे ही अपनी बेटी को मैं बनाना चाहती हूँ, उनका सपना था और आने वाले बच्चे को भी। तो मुझे अपनी बेटी अपने बेटा जो भी आएगा उसको बनाने के लिए सरकार मुझे 2 रुपए का मुझे सर्विस दे, मुझे जॉब दे मेरे पति के बदले जगह पे, जो कि मैं कमा के अपने पति के सपने को पूरा करूं। और स्पेशली मेरे पति ने पर्सनली आज तक मेरे लिए कुछ नहीं किए, पर्सनली कुछ नहीं। अच्छा, ये वो कहा करते थे कि हम तिरंगे में लपेट के आएंगे, आपसे कहते थे कि नहीं? जी हाँ, उनको वैसे बोलते थे कि मैं देश का लाल हूँ। मैं तुमसे पहले मैंने देश से कुछ वादा किया है, तुम्हारा वादा निभाने से पहले मैं देश का वादा निभाऊंगा। मैंने जो शपथ लिया, जो नसीब खुश नसीब होता है वही देश को शहीद होता है। मुझे ये कि जिस दिन अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तभी आंसू मन गिराना। अच्छा, सैल्यूट करना चाहूंगी, आखिरी बार सैल्यूट करना चाहूंगी मैं। उनकी आत्मा को तहे दिल से शांति मिले। देखिए, वो जो मौत होता है सबके नसीब में नहीं होता है। देखिए, एक माता जी है, इनकी आंखें नम है,
इनके आंखें नम है, इनके आंखों में आंसू है और ये रो रही हैं और वो वीर सपूत को याद कर रही हैं। क्या कहेंगे माता जी? ऐसा किसी को मत होना चाहिए, जहाँ वो सुरक्षित ऐसे न हुए दम। देखिए माँ का ममता, देखो देखो कौन आया, देखो कौन आया, बंदे दीपक सिंह, दीपक सिंह, दीपक सिंह, दीपक सिंह, सभी लोग यही नारा लगा रहे हैं, दीपक सिंह अमर रहे, देखो देखो कौन आया, शेर आया, यही बात कह रहे हैं। वाकई में शेर का जो सपूत है, जो इस धरती का सपूत है, चंद पलों में तिरंगा में लिपटा हुआ आएगा और उसकी आज आखिरी दर्शन होगी। और ये साथ में सभी लोग चाह रहे हैं कि जहां हम खड़े हैं वहां से सभी लोग उनके दरवाजे तक, इतनी भीड़ है कि भीड़ को काबू करना अब मुश्किल है। अब समझिए जोड़ा कि ये जो युवा साथी है कहाँ है भैया? मुरली। कहाँ आए हैं? थाना पर। मतलब किस लिए आए हैं? देखने के लिए। किसको? अमर सिंह को। हाँ बिल्कुल, ये तो बच्चा कह रहा है कि अमर शहीद दीपक भैया को देखने के लिए आए हैं। और ये दिखाइए ये जो भीड़ जो है, अब शायद उनका जो पार्थिव शरीर है आ चुका है, उनका पार्थिव शरीर जो है अब नजदीक आ रहा है और ये भीड़ जो है लगातार बढ़ते जा रही है और सभी लोग ये नारा लगा रहे हैं कि देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। सभी लोग इसी नारे के साथ दीपक भैया, दीपक सिंह अमर रहे, है कि दीपक सिंह अमर है और पूरे गाजा बाजा के साथ सभी लोग, उनका पार्थिव शरीर जो है अब चंद पलों में पहुंचेगा उनके दरवाजे पे और सभी लोग चाहते हैं कि उनकी आखिरी दर्शन हो जाए। और देख सकते हैं ये जो भीड़ है लगातार बढ़ते जा रही है, भीड़ जो है आप जहां तक आपकी नजर जाएगी तहां तक आपको तिरंगा झंडा और देखो देखो कौन आया इसी नारा के साथ ये लोग जो है नारा लगा रहे हैं और उस वीर सपूत को सलाम करने के लिए लोग तैयार है। आप देख सकते हैं आपकी नजर जहां तक जाएगी हाथ में तिरंगा और लोग ये नारा लगा रहे हैं, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। सभी लोग इसी नारे के साथ दीपक सिंह का आखिरी भैया अमर रहे।